इंडिया में पढ़ाई में एक समानता नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होने के कारण उसे नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिलती है। अगर वह जा भी पाते हैं तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है। स्कूल दूर या कोई साधन ना होने के कारण वह कॉलेज या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनकी आम बोलचाल की भाषा अलग होने के कारण वह सभी लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसकी दूसरी ओर देखें तो गवर्नमेंट इन बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स एंड कैंपेन दर दर साल लेके आती रहती है। इन्हें बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल भी सकते हैं, जिनसे इनकी फीस माफ़ होती है, उन्हें यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं। कहीं कहीं स्कीम्स में तो इन्हें लैपटॉप और टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, जिनसे वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को और बढ़ा सकते हैं। वंचितों के लिए शिक्षा का महत्व। पहला, शिक्षा आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा, उच्च वेतन वाली नौकरियां प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, शिक्षित बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। चौथा, शिक्षा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। पाँचवा, शिक्षा चाइल्ड लेबर को कम करने में मदद करता है। सॉल्यूशंस टू ओवरकम पावर्टी बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से हम स्किल्ड होते हैं जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सेकंड, एजुकेशन इंक्रीजेस इंडिविजुअल अर्निंग्स विच विल इराडिकेट पावर्टी इवेंचुअली। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी देन इंडिविजुअल अर्निंग्स ऑफ कोर्स बढ़ेंगी एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी भी बढ़ेगी। थर्ड, बाय गिविंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन टू द न्यू जनरेशन, क्योंकि पावर्टी का एक मेन कॉज पॉपुलेशन है और उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सभी लोगों को एक हायर पोजीशन पर लिफ्ट करेगा, स्पेशली वो गरीब वर्ग को अमीर और गरीब के बीच के गैप को एक ब्रिज जैसा फुलफिल करने में मदद करेगा। गरीब लोगों को होने की भावना देगा, जो कि एक बहुत रिलेवेंट फैक्टर है किसी के परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी के पीछे।